हम कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स एनडीए एनए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द इमेज प्रोड्यूस्ड विल बी। तो यदि आपको कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन याद है तो इसको थ्योरेटिकली भी आप आंसर कर सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, ये उस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, ये उसका फोकस। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, और वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है? 10 सेंटीमीटर पर, यानी ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तब इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। कैसी होगी वो? मैग्नीफाइड होगी, वर्चुअल होगी, एंड सो आंसर इज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। यदि आप इसको लेंस फार्मूला से करना चाहते हैं तो लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। प्लस साइन यदि यहाँ होगा 1/v, 1/u के बीच में, तो वो होता है मिरर फार्मूला। यह है लेंस फार्मूला। फोकल लेंथ हमको गिवन है, फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होगी? इंसिडेंट रे के ऑपोजिट मेजर हो रही है, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ। इन दो वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1/f पॉजिटिव साइन के साथ f को डालेंगे, v हमको फाइंड आउट करना है, माइनस ऑलरेडी आ रहा है, और u है -10, तो ये हो जाएगा +1/10। और इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को, तो यहाँ क्या आएगा? 2, यहाँ आएगा 30/v, और यहाँ होगा 3। इसको ट्रांसपोज करें तो -1, यानी v कितना आएगा? इसको इधर ले जाएंगे यदि तो -1 आया, v = हो जाएगा -30 के बराबर, -30 सेंटीमीटर। -30 मतलब कहाँ? इसी तरफ। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी है? नेगेटिव, और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव मिल रही है, इसका मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन यदि फाइंड करेंगे तो लेंसेस के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। वी कितना है? -30, यू इज -10, तो ये आया +3। प्लस का आना बता रहा है वर्चुअल, और 3 मतलब 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैथमेटिकली भी आपको यही आंसर मिलेगा, इमेज इज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। पर थ्योरेटिकली ही इसको सोचकर आंसर हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2013 फेज 1 का। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, द इमेज विल बी। तो थ्योरेटिकली भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। कॉन्केव मिरर दे रखा है और ऑब्जेक्ट को इस मिरर के फोकस पर प्लेस किया हुआ है। इसका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पर जब ऑब्जेक्ट रखी होती है तो आपको याद आया होगा इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, क्योंकि फोकस से जाने वाली ये रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल रेज इन्फिनिटी पर मीट होती हैं। तो इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म होगा, वो होगा रियल एनलार्ज्ड। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? रियल इन्वर्टेड हाईली एनलार्ज्ड एट इन्फिनिटी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी क्वेश्चन को यदि आप मिरर इक्वेशन से करना चाहते हैं, मिरर इक्वेशन क्या होती है? 1/f = 1/v + 1/u। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? वो रखा हुआ है फोकस पर। फोकस पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे? -f, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट। और वैसे भी आपको याद है कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह आएगा -f, और इमेज हमको फाइंड आउट करनी है, इमेज डिस्टेंस। और यहाँ भी हम -f पुट करेंगे, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 1/v कम्स आउट 0, और इसका मतलब v इज इनफाइनाइट, यानी इमेज कहाँ फॉर्म होगा? इन्फिनिटी पर। तो मैथमेटिकली भी इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड एंड इट फॉर्म्स एट इन्फिनिटी, एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 फेज 1 का। एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब्स अ पार -0.5 डायोप्टर, द करस्पॉन्डिंग लेंस मस्ट बी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए एक दो बातें याद रखनी चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और जो साइन
फोकल लेंथ का होता है वही पावर का होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है। तो जैसे ही आप यहाँ देखेंगे माइनस साइन, यानी ये लेंस कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस यूज़ होता है मायोपिया को रिमूव करने के लिए। मायोपिया की रेमेडी है कॉनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया, ये मायोपिया और ये हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज़ होता है कॉनवेक्स लेंस। कॉनवेक्स लेंस मतलब रीडिंग लेंस। जब बहुत पास का साफ दिखाई नहीं पड़ता तो डिफेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया, लेंस यूज दिस कॉन्वेक्स। और दूर का यदि साफ नहीं दिखता है तो उसे कहते हैं मायोपिया, तब कॉनकेव लेंस से ये डिफेक्ट रिमूव करते हैं। तो ये याद रखना चाहिए। तो माइनस साइन से आपको पता लगा कि ये कॉनकेव लेंस है, तो ऑप्शंस में आप जाएंगे तो वन और टू तो करेक्ट नहीं होंगे, ऑप्शंस इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, हमको पावर दे रखी है डायोप्टर में। अब अगली बात ये याद रखें कि पावर इन डायोप्टर इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ इन मीटर। जब मीटर में फोकल लेंथ हो तो पावर डायोप्टर में आएगी, पर यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी हो तो पावर इन डायोप्टर इज इक्वल टू 100/ फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। तो बस यहाँ पर ये लगा दें चाहे ये फॉर्मूला लगा दें, हमको फोकल लेंथ चाहिए है, पावर दे रखी है, तो माइनस 0.5, तो एफ इक्वल्स टू ट्रांसपोज कर लेंगे तो 1/ क्या लिखेंगे माइनस 0.5, तो डेसिमल हटाने पर ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 है, यानी माइनस 2 मीटर। माइनस 2 मीटर ये इसकी फोकल लेंथ होगी, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो द लेंस यूज्ड इज कॉनकेव क्योंकि माइनस साइन है, और इस फॉर्मूले को यूज करके हमने फोकल लेंथ फाइंड कर ली 2 मीटर के बराबर। सो कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ बाय कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर देन द पावर ऑफ द लेंस विल बी। तो हम जानते हैं पावर इन डायोप्टर इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ इन मीटर, और फोकल लेंथ को साइन के साथ पुट करना चाहिए। और यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी हो तो पावर इन डायोप्टर होता है 100/ फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो यहाँ फोकल लेंथ हमको सेंटीमीटर में दे रखी है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी हमको पावर चाहिए। जो साइन फोकल लेंथ का होता है वही पावर का होता है। पावर इन डायोप्टर विल बी 100/ फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, ये कितना आएगा +4, और आंसर आएगा किस में, डायोप्टर में। यानी ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 25 और पावर होगी +4 डायोप्टर, एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 2012 फेज वन में पूछा हुआ। स्टेटमेंट वन, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ ड्राइवर्स मिरर। स्टेटमेंट टू, इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर आर डिमिनिश्ड इन साइज। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स होता है, तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। और स्टेटमेंट टू में क्या बोला है, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर आर डिमिनिश्ड इन साइज, तो ये भी सही है। हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में फॉर्म होने वाली जो इमेजेस होती हैं वो डिमिनिश्ड होती हैं, उसके अलावा वो इरेक्ट होती हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और एक और रीज़न है कि क्यों हम कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू कैसा होता है, लार्ज। फील्ड ऑफ व्यू इज लार्ज। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से कॉन्वेक्स को यूज़ किया जाता है। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती हैं, इसलिए हम रियर व्यू मिरर में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो करेक्ट, पर स्टेटमेंट टू से हम स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसका मतलब स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट, बट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। तो इसका आंसर होगा बी। असर्शन रीजन में 4 आंसर्स होते हैं, उनमें से बी इसका आंसर होगा। तो याद रखें कि कॉन्वेक्स मिरर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इमेजेस उसमें हमेशा डिमिनिश्ड होती हैं, इरेक्ट होती हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और उसका फील्ड ऑफ व्यू भी लार्ज होता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस पर बेस्ड। 2 थिन कॉन्वेक्स लेंसेस और फोकल लेंस 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इन एयर, द कॉम्बिनेशन विल हैव द फोकल लेंथ। तो जब हम लेंसेस को कंबाइन करते हैं
तो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल लेंसेस की फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे? जब उन लेंसेस को हमने कॉन्टैक्ट में रखा हो। यदि वो कॉन्टैक्ट में नहीं है तब इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आती है और वो क्या है? एक्स अपॉन एफ वन एफ टू, मतलब उन दोनों लेंसेस के बीच की सेपरेशन। जैसे ये एक लेंस और ये दूसरा लेंस कोएक्सियली रखा हुआ है, यह है एफ वन फोकल लेंथ का, यह एफ टू फोकल लेंथ का, और दोनों लेंसेस के बीच की सेपरेशन एक्स है। तो यदि ये दोनों कॉन्टैक्ट में होंगे तब ये टर्म नहीं आएगी, एक्स जीरो हो जाएगा, और यदि ये सेपरेटेड होंगे बाय ए डिस्टेंस एक्स तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कंबाइंड फोकल लेंथ मालूम करने के लिए। तो वन बाई एफ, पहले लेंस की फोकल लेंथ हमको दे रखी है 4, प्लस 1/8 माइनस इनके बीच की सेपरेशन 4, और यहाँ आएगा प्रोडक्ट, मतलब 32। इसको आगे हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ये 8 टाइम्स कैंसिल होकर, और ये माइनस 1/8, ये प्लस 1/8, ये भी कैंसिल, तो 1/F = 1/4, और इसलिए कंबाइंड फोकल लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर के बराबर। यानी दो कॉन्वेक्स लेंसेस जिनकी फोकल लेंथ 4 और 8 हों, सेपरेटेड हों एट अ डिस्टेंस ऑफ 4, तब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी। उसके अलावा एक बात और याद रखें कि यहाँ पर F1, F2 की वैल्यूज़ को हम प्लस माइनस साइन के साथ डालते हैं। कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ पुट करेंगे, कॉन्केव होगा तो नेगेटिव साइन के साथ में पुट करेंगे। हाल फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो आपको याद आना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर में तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है। तो इन ऑप्शंस पर आपको विचार करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, फॉर नो वैल्यूज ऑफ यू, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसी कोई भी पॉसिबल नहीं है जिसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट से लार्जर हो, क्योंकि इसका मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन वन होता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है, डिमिनिश्ड होती हैं, और हमेशा पोल और फोकस के बीच में कहीं फॉर्म होती हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। 2011 फेज 2 में पूछी हुई, अ 1 रुपी कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ वेसल, वाटर इज देन पोर्ड इन टू द वेसल सच दैट डेप्थ ऑफ वाटर बिकम्स 20 सेंटीमीटर। इफ वाटर हैज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 द कॉइन वुड बी एट अ डेप्थ ऑफ। तो केस वो है जिसमें डेंसर मीडियम की किसी ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम से देख रहे होते हैं। जैसे मान लो यह है वो वेसल, और इस वेसल में एच डेप्थ तक पानी भर दिया गया है, और यह है वो कॉइन, तो इसमें पानी भरा हुआ है, यानी यह है डेंसर मीडियम, और इस कॉइन को हम कहाँ से देख रहे हैं? फ्रॉम एयर, और एयर होगी रेयरर मीडियम, तो डेंसर मीडियम की ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम से देखा जा रहा है। ये उसकी है रियल डेप्थ, जिस लेवल तक पानी भर दिया गया है। अब ये कॉइन जब एयर से देखा जाएगा तो यहाँ ना दिखकर बल्कि कहीं ऊपर दिखाई देगा, ये उसकी इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और ये हो जाएगी अपेरेंट डेप्थ एच डैश, ये होगा रियल डेप्थ और ये होगा अपेरेंट डेप्थ, कुछ ऊपर वो उठ जाएगा। तो जब डेंसर की ऑब्जेक्ट को रेयरर से देखते हैं, डेंसर की ऑब्जेक्ट को रेयरर से देखते हैं, मतलब डेंसर में हो गई ऑब्जेक्ट और रेयरर में हो गया ऑब्जर्वर। इसी का केस ऐसा भी सोच सकते हैं हम, फिश इन अ पॉन्ड इज सीन बाय अ बर्ड इन एयर, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या करेंगे? फिश इन वाटर इज सीन बाय बर्ड इन रेयरर मीडियम यानी इन एयर। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए? ये फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एच कैसा हो गया है? कम, यानी अपेरेंट डेप्थ कम है, यानी एच बाय म्यू इक्वल्स टू होता है एच डैश, ऐसा आप याद रख सकते हैं। पर ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब डेंसर की ऑब्जेक्ट को रेयरर से देख रहे होते हैं। हमको यहाँ पर एच दे रखा है, म्यू दे रखा है, हमें एच डैश चाहिए, तो 20 अपॉन म्यू कितना है? 4/3, तो ये हो जाएगा 20 × 3/4। तो सॉल्व करने पर ये आ रहा है 15 सेंटीमीटर, यानी कॉइन होगा कहाँ, किस डेप्थ पर? 20 पर, और दिखाई कहाँ पड़ेगा? 15 सेंटीमीटर पर, यानी वो शिफ्ट कितना हो गया? शिफ्ट कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो गया। हमसे शिफ्ट नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है वो कहाँ दिखेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब एक बात और याद रख लें इसमें,
कि इसका उल्टा केस भी हो सकता है कि एयर में कोई बर्ड हो और उसको पानी में से फिश देख रही हो, तब उल्टा केस हो जाएगा, तब एच डैश का फॉर्मूला म्यू एच याद रखना चाहिए। बेसिकली आपको दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं, कौन कौन से, एच डैश बराबर एच बाय म्यू, ये कब, जब डेंसर की ऑब्जेक्ट को रेयरर से देखते हैं, और ये कब, रेयरर की ऑब्जेक्ट को डेंसर से देखते हैं, तब वो पक्षी जहाँ होगा जिस हाइट पर वहाँ नहीं दिखेगा बल्कि ऊपर उठ जाएगा, उसमें म्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि एच डैश की वैल्यू एच से ज़्यादा होती है, जबकि इसमें एच डैश की वैल्यू एच से कम है इसलिए म्यू से डिवाइड करेंगे। हाल फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन पर बेस्ड, 2011 फेज 2। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस इफ द फार पॉइंट ऑफ अ शॉर्ट साइटेड आई इज 200 सेंटीमीटर। मतलब ये किसी मायोपिक आई की बात हो रही है, मायोपिक आई मतलब जिसमें मायोपिया का डिफेक्ट हो। हेल्दी आई के लिए फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी पर इस आई के लिए वो फार पॉइंट इन्फिनिटी से खिसक कर 200 सेंटीमीटर पर आ गया है। मतलब ये है फार पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई, इसको हम एफ पी डैश लिख लेते हैं, फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई इज 200 सेंटीमीटर, एंड फार पॉइंट फॉर द नॉर्मल विजन मतलब हेल्दी आई इज इन्फिनिटी। तो हमको एक ऐसा लेंस यूज़ करना पड़ेगा जो इन्फिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स की इमेज को कहाँ पर बना दे, 200 सेंटीमीटर पर। मतलब आप ये देखना चाह रहे हैं, वॉन्ट टू सी, और यह है यू कैन सी, क्योंकि आप 200 सेंटीमीटर से आगे का साफ नहीं देख सकते क्योंकि फायर पॉइंट 200 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो गया है। तो सीधे लेंस फार्मूला लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v, वी मतलब कैन, और कैन कैसा होगा, वो होगा माइनस साइन के साथ में, माइनस कैन, और यहाँ आएगा माइनस, वॉन्ट में भी माइनस वॉन्ट आने से ये ऐसा हो जाएगा। बस यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/f, जो हमें चाहिए कैन इज 200, माइनस 200, वॉन्ट इज इन्फिनिटी, 1/∞ इज 0, तो बस सीधे फोकल लेंथ हमको मिल गई माइनस 200 सेंटीमीटर। मतलब द लेंस यूज शुड बी कॉनकेव, क्योंकि माइनस साइन के साथ आंसर आ रहा है। हमको चाहिए पावर डायोप्टर में, तो पावर इन डायोप्टर इज इक्वल टू 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर बट विद साइन, तो बस ये 100 और यहाँ आएगा माइनस 200, दैट इज माइनस हाफ, और माइनस हाफ मतलब माइनस 0.5 डायोप्टर, एंड सो द करेक्ट आंसर इज डी।